अब आते हैं हमारी इस विंडो पे, इंस्पेक्टर विंडो। इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर का मतलब यही है कि आपको चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है, यानी कि कोई भी आपका गेम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स। यूनिटी किसके बेस्ड होता है? यूनिटी कंपोनेंट बेस्ड गेम इंजन है, यानी कि हर एक गेम ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई कंपोनेंट होता है। और कंपोनेंट कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो कोई एक प्रकार की सी शार्प की स्क्रिप्ट सी हैं जो आपको एक फंक्शनैलिटी देती हैं, जिसमें आप अपना कुछ डेटा बताते हैं और उसके उस कॉरस्पॉन्डिंग डेटा के साथ आप उसके साथ कोई फंक्शनैलिटी बताते हैं। और जब वो कंपोनेंट किसी चीज़ पे लग जाता है, किसी गेम ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, तो उस गेम ऑब्जेक्ट पे वो नई फंक्शनैलिटी और डेटा आ जाता है। जैसे कि हम देखें, ये पहला ही सबसे ये आपको एक टिप्स दूँ तो हमेशा ये याद रखना कि यूनिटी में हर एक गेम ऑब्जेक्ट पे एक कंपोनेंट ज़रूर होगा, वो होता है ट्रांसफॉर्म। क्योंकि यूनिटी को ये कंपोनेंट ज़रूरी है, तभी वो डिसाइड कर पाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ट्रांसफॉर्म यही बताता है, पोजीशन, रोटेशन और स्केल बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंपोनेंट तो हर किसी पे मिलता है। बाकी और अलग अलग कंपोनेंट्स आप क्या करते हो? स्क्रिप्ट्स के थ्रू बताते हो। तो हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे कैसे कस्टम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। तो वो कुछ ये कंपोनेंट्स क्या होती हैं? स्क्रिप्ट्स ही होती हैं जो कि कुछ यूनिटी ने बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए बना रखी हैं, और नहीं तो आप खुद भी और स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप खुद भी अपने लिए बनाते हो। जैसे कि यहाँ दे रखा है ऐड कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ कोई भी गेम ऑब्जेक्ट देखूँ तो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड कंपोनेंट। तो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मेरे को करना है, जैसे कि यहाँ कुछ भी टाइप कर दोगे तो स्क्रिप्ट का आएगा, नहीं करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज दे रखी हैं यूनिटी वालों ने, जिन कैटेगरीज़ में आप जाके देख सकते हो उनमें कौन कौन से स्क्रिप्टें लग सकती हैं, ठीक है। यहाँ इफ़ेक्ट्स, फिज़िक्स, इन सब के लिए हैं। तो इनको हम और डिटेल में अच्छे से बाद में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जनरल आपके पास टूल बार्स होती हैं। ये टूल बार विंडो है एक प्रकार की, यहाँ पे जनरल है। इसका मतलब ये होता है कि आपका हैंड से आप इधर उधर कर सकते हैं। ये आपका पोजीशन का होता है। इसका शॉर्ट शॉर्ट अगर कीबोर्ड से डायरेक्ट सिलेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को और ये वाला लाना है तो आप डब्लू दबाइए। जैसे कि मैंने यहाँ हैंड दबा रखा है, अब मैं डब्लू दबाऊँगा तो जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था उस पर वो गिज़्मो आ गया। रोटेशन के लिए ई है, जैसे कि जो क्वेरिटी है ना, WERT, रोटेशन के लिए ई है, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। इससे टी, अगर आप आर दबाओगे तो ये वाला आ जाता है, स्केल हो जाता है, इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं आप लोग। और इससे क्या कर सकते हैं आप लोग? इस टाइप का है, इससे आप इसको ऐसे ही कहीं ना कहीं रख सकते हैं, इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं पूरे को सिलेक्ट करके, और बड़ा छोटा करना है आपको कैसे भी करना है। अलग अलग एंगल पे देखते हैं तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। एक नया इन्होंने 2017 में एक नया आइकन दिया था जिसके थ्रू आप तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो, एक ही गिज़्मो के साथ कर सकते हो, पोजीशन, रोटेशन और स्केलिंग। ये तीनों चीज़ें आप एक ही गिज़्मो के साथ कर सकते हो। यहाँ पे ये दो आइकन आपको बताते हैं कि आपको पिवट क्या है, यानी कि आपको रोटेशन, पोजीशन, स्केलिंग किसके हिसाब से करना का है। यानी कि अगर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर ये सेट है, अगर यहाँ पिवट दिख रहा है तो यानी कि उसके पिवट कहाँ होगा उसके हिसाब। पिवट और सेंटर्स क्या होते हैं बॉडी का? जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वही होता है सेंटर भी, और पिवट होता है यानी कि एक पॉइंट डिफाइन होता है जिसके कॉरस्पॉन्डेंस अगर आपको कोई रोटेशन चाहिए। जैसे पिवट यानी अगर आपने डोर देखा है तो डोर में क्या होते हैं? हिंजेस होते हैं, तो वो डोर के लिए पिवट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो वो हमारे ये हो गए। अब हमारा ये गिज़्मो क्या होता है? ये यहाँ पर लोकल और ग्लोबल होते हैं। इनको हम लोग और डिटेल में अच्छे से अगली वीडियो में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। ये आपके ये एडवांस फीचर्स में आते हैं, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। ये तो एक विंडोज़ जो जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई।